वेल हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हो, एक मॉन्स्टर के बारे में। एक चलता फिरता मॉन्स्टर, एक ट्रक कार तो किसी एंगल से नहीं है, एसयूवी किसी एंगल से नहीं है ये, लेकिन तब भी जीएमसी ने इसको नाम दिया है एसयूवी का। ये एसयूवी नहीं है गाइस, जिसका नाम है, जो जीएमसी ने लॉन्च किया है, हमर ईवी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इतनी पावरफुल है कि इसको हम एज अ जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके इंजन में इतनी पावर है दोस्तों कि ये एक जनरेटर की मुकाबला कर सकता है, एक जनरेटर की बराबरी कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, जिसको नाम दिया है जीएमसी ने, जिसको फेक नेम दिया है जीएमसी ने एसयूवी का, लेकिन किसी एंगल से ये मेरे हिसाब से तो एसयूवी नहीं है, चलता फिरता मॉन्स्टर ट्रक है ये रोड पर। इसके फ्रंट डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो दोस्तों, हमें इसके फ्रंट डिज़ाइन में इसके फ्रंट हेडलाइट्स के अंदर ही मिल जाता है चार्जिंग इंडिकेटर्स, जो हमें दिखाएगा कि कितनी चार्जिंग आपकी कार में हो रही है, आपके इस मॉन्स्टर ट्रक में हो रही है। ये हेडलैम्प पर ही हमें दिखा देगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कहाँ कैसे दिखाएगा। और एक फुल टाइम चार्ज पर, एक फुल चार्ज में ये गाड़ी जा सकती है, ये ट्रक, ये मॉन्स्टर ट्रक जा, सॉरी मैं बार बार इसे गाड़ी कह रहा हूँ, ये किसी एंगल से गाड़ी नहीं है, ये ट्रक जा सकता है, मॉन्स्टर ट्रक जा सकता है 560 किलोमीटर तक। एंड अगेन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस कार में, इस मॉन्स्टर ट्रक में इतनी पावर है कि इसे है, ये एक जनरेटर का मुकाबला करता है दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जनरेटर भी इसके सामने फीका पड़ जाए, इतना पावर इस कार में दे रखा है। सो दोस्तों, इस गाड़ी में हमें टोटल दिल थाम के बैठिए, कानों को अच्छे से सुन लीजिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इस गाड़ी में, जी हाँ दोस्तों, हमें मिलता है 17 कैमरे इसमें हमें मिलते हैं, जो इतने सीसीटीवी कैमरे तो भाई किसी मिनिस्टर के घर पे भी नहीं होते जितने इस गाड़ी में दे रखे हैं। जिसमें 2 कैमरा हमें मिलते हैं नीचे फ्लोर की तरफ, जहाँ से हम देख पाएंगे इस कार का फ्लोर के कितना नीचे गाड़ी पत्थर को टच हो रही है, या कहीं अगर माउंटेन्स वगैरह पर हम लोग इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं या फिर कोई लेकर जा रहा है, तो नीचे पत्थर वगैरह पर कितनी टच हो रही है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस इसका हो रहा है। एंड दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलते हैं 35 इंचेस के व्हील्स। अब मैं आपको बता दूं कि 35 इंचेस आपको कैसे समझ में आएगा, तो नॉर्मली हमें हमारी फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं 25 इंचेस के व्हील्स, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके व्हील्स कितने बड़े होंगे, जिसको आप मॉडिफाई करवा के, कस्टमाइज़ करवा के 37 इंचेस तक भी जा सकते हो गाइस। 37 इंचेस के व्हील्स भी आप इस गाड़ी में लगवा सकते हो, इस मॉन्स्टर ट्रक में लगवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और इस इंजन के पावर की अगर हम बात करें, तो ये इंजन हमें दे देता है 1000 हॉर्स पावर की पावर ये जनरेट करता है, जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करेगा मात्र 3 सेकेंड्स के अंदर दोस्तों, जिसको लैम्बोर्गिनी एंड मैकलारेन, एक लो ग्राउंड और सुपर कार और हाइपर कार मानी जाती है, वो टच करती है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3 सेकेंड्स के अंदर। उसी को पीछे छोड़ते हुए ये ट्रक, कभी आपने देखा है 0 to 100 3 सेकेंड्स में, लेकिन ये करेगा दोस्तों। तो ये एक मैकलारेन और लैम्बोर्गिनी का मुकाबला भी कर सकता है, और एक मॉन्स्टर ट्रक और किसी भी हाइपर कार का भी मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के अंदर जीएमसी ने कोई कमी रखी हुई। एंड व्यूअर्स, इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ, तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, मुझे लग रहा था पैनोरामिक सनरूफ आएगा वगैरह कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जीएमसी ने दे रखा है एक रिमूवेबल रूफ पैनल, जो कि आप टोटली रिमूव कर सकते हो, कार को पूरी ओपन बना सकते हो, इस एसयूवी, इस मॉन्स्टर ट्रक को पूरा ओपनली देख सकते हो, कर सकते हो। सो व्यूअर्स, आइए इस मॉन्स्टर ट्रक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, जो जानकर आपको भी शायद हैरानी होगी, क्योंकि मुझे भी हुई थी। सो दोस्तों, इसके अंदर हमें स्पीकर्स मिलता है, और ये हैरानी वाली बात नहीं है, आगे मैं जो बता रहा हूँ ये हैरानी वाली बात है। इसके अंदर हमें स्पीकर्स मिलता है, जिस स्पीकर पर हमें एक डिज़ाइन जैसा कुछ मिलता है, तो वो डिज़ाइन कोई डिज़ाइन नहीं है दोस्तों, ये एक मैप है, एंड ये मैप इस वर्ल्ड का नहीं है, ये मैप है मून का, चांद का,
जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार, जो पहला बंदा चांद पर जिसने कदम रखा था, उसका फुटस्टेप भी इस मैप पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। एंड जी हाँ, तो ये जो मैप दे रखा है, ये मून का चांद पर का मैप दे रखा है। तो इस मैप पे यार नील आर्मस्ट्रांग के जूते का भी निशान बनाया हुआ है। मतलब GMC चाहता क्या है कि क्या, मतलब ऑलरेडी इतना कुछ दे रखा है, अब ये इतनी बारीक बारीक चीज़ें भी ये इसमें देखना है, देखने लगा तो भाई साहब बस इससे बेहतर कोई गाड़ी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। जी हाँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फालतू काम किया है कि मैप के ऊपर कुछ अच्छा ही डिज़ाइन ही बना देता, लेकिन इसने चांद का मैप दिया है। सो दोस्तों, ये कोई फालतू काम नहीं है, ये देने का मकसद GMC ने ये बताया है कि ये जो ट्रक उन लोग ने बनाया है, ये इस वर्ल्ड के हिसाब से तो नहीं ही है, ये इतना पावरफुल ट्रक है कि ये ग्रेविटी को भी मात दे सकता है और ये चांद पर भी ट्रक चल सकता है। ये था गाइस GMC हमर EV के बारे में कुछ जानकारी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।